हाय गाइस, दिस इज लवकुश। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सप्ली एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर थ्री में हैं और सेमेस्टर फर्स्ट में आपका सप्ली लगा हुआ है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं अपने सप्ली एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आकर सर्च करना है CU exam.net। जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं CU exam.net, उसके बाद जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, अब क्या करना है, आपको नीचे आना है। ये जो पोर्टल फॉर कॉलेज स्टूडेंट BA BSc BCom, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। एक और आपको नीचे में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब क्या करना है, जो CBSE पैटर्न है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ ये इंटरफेस आएगा, BA BSc BCom। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वहाँ पर क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा अभी BCom में सप्ली लगा हुआ है तो मैं BCom पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं अब क्या करना है, कौन सा सेमेस्टर में सप्ली लगा है, तो सेमेस्टर वन में। तो आपको क्या करना है, सेमेस्टर वन में वो क्लिक करना है। अब क्या करना है, ये देखिए फॉर्म सबमिशन का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे अभी हम क्लिक करते आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने नाम का फर्स्ट 3 डिजिट आपके कॉलेज से द्वारा यानी कि CU के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अपने नाम का 3 डिजिट, फॉर एग्जांपल कि मैं भी यहाँ पे दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। यू कैन सी आप भी ऐसे ही देते रहिए। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उसके बाद अपने नाम का फर्स्ट 3 डिजिट आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ पर किए। अब क्या करना है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अपना फुल नेम और सेमेस्टर आपको शो करेगा। फिर क्या करना है, आपको कंटिन्यू पर जाना है। जैसे आप कंटिन्यू पर जाते हैं आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका फुल नेम, आपका फादर्स नेम, आपका एड्रेस, रोल नंबर, आपका स्ट्रीम, कैटेगरी, मेल, सेमेस्टर वन, आपको सब आ जाएगा। आपको देख लेना है, अगर सब सही है तो आपको नीचे आना है। आपको यहाँ पर अब दिखाएगा कि आपका कौन सा सेमेस्टर में आपका सप्ली लगा था। तो देख सकते हैं ये जो लड़का है संदीप कुमार दुबे, इसका बिजनेस लॉ में सप्ली लगा था। तो यहाँ पर देखिए टिक लगा हुआ है कि इसका एक सब्जेक्ट में सप्ली लगा है। तो आपको क्या करना है, अब आपको सबमिट पे ओके करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट क्लिक करना चाहते हैं यहाँ पर आएगा आर यू श्योर टू सबमिट, तो आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देते हैं इनरोलमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आप क्या करना है, क्लोज पे क्लिक करना है। जैसे क्लोज करते हैं आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, उसके बाद यू विल बी एबल टू डाउनलोड PDF फाइल। आपको क्या करना है, नीचे आना है और PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, इस PDF फाइल का हार्ड कॉपी आप साइबर कैप से निकलवा लीजिए, उसके बाद अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाके इसे जमा कर दीजिए। देखिए आपके पास ये फॉर्म आ गया। अब क्या करना है, आपको इसको निकलवा लेना है। यहाँ पे फुल सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट विथ डेट, आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके अपने कॉलेज में जमा कर देना है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो जहाँ पर हमने ये देखा कि अगर आपका सप्ली एग्ज़ाम लगा हुआ है यानी कि किसी सब्जेक्ट में सप्ली लगा हुआ है तो उसका एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच अगेन।